चलिए जी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर, न्यू जर्नी, अगेन हैप्पीनेस। अब से स्टार्ट कर दो, ढंग से करो, इसी चैप्टर से ही शुरू कर दो। जिन बच्चों यस को छूट भी गया ना, यहीं से ही करो, हर दिन नया होता है। एल्कोहल्स लग रहा है हमारे बच्चों को, इसको एल्कोहल्स कर देते हैं। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, वैसे भी हमारे नीट के दोनों बैच बहुत अच्छे हैं, एंड ईथर्स। तो बच्चा जी, ये आपका सेकंड चैप्टर और फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का। दो ही चैप्टर फर्स्ट टर्म में है ऑर्गेनिक में, और वेरी वेरी इजी चैप्टर्स। इजी मैं इसलिए कहती हूँ कि जिसको आ गया तो इजी ही है। तो एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, थोड़ा IUPAC नेम भी लेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन में बच्चा जी, ये जो एल्कोहल्स है ना, पहले मैं एल्कोहल की बात करूंगी। तो OH हमारे पास यहाँ पे लगता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए जो लेटर हम यूज करते हैं, जो एंड में यूज होता है, दैट इज सफिक्स। जो स्टार्टिंग में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो OH सफिक्स के, OH के लिए सफिक्स यूज होता है ओल, OL, ओल। ठीक है, 01 मत समझ लेना इसको, दिस इज कॉल्ड एज ओल। अब एल्कोहल्स क्या है? एल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। OH ग्रुप को ना हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं। दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। अब एल्केन कैसे लिखते हैं? R और H, सबको पता है कि R इसमें क्या होता है? R इसमें है एल्काइल ग्रुप, दिस इज एल्काइल ग्रुप, और H इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जोड़ दोगे, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें पता ही है। एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो एल्केन बन जाएगा। देखो, मिथेन CH4 होता है, एक हाइड्रोजन इसमें से हटा दिया तो मिथाइल बन गया, मिथाइल के साथ हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो मिथेन बन जाएगा। ठीक है, तो RH इज द एल्काइल ग्रुप, RH इज एल्केन बन गया ये टोटल। अब इसमें से हम क्या करेंगे बेटे? इसमें से हम हटा देंगे H, क्या जोड़ेंगे? OH जोड़ेंगे। तो R के साथ OH जुड़ गया तो ये बन गया एल्कोहल्स। ठीक है, तो ये है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, मतलब OH लग गया H की जगह पे, इसलिए इसको बोलते हैं कि एल्कोहल एल्केन से बने और एल्केन्स के ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव है मतलब उसमें से कुछ हटा के, कुछ का मतलब हाइड्रोजन ही हटाना होता है ना, तो एल्कोहल्स बनते हैं। और जो आपके फिनॉल्स होते हैं वो क्या हैं? फिनॉल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। फिनॉल को बोलते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो बेसिकली दिस इज बेंजीन, यहाँ पे हर जगह CH होता है, इसमें से हाइड्रोजन माइनस कर लिया और OH प्लस कर लिया। तो जब हाइड्रोजन माइनस कर लिया और OH प्लस कर लिया, तो यहाँ पे आ गया OH, मतलब बेंजीन में से भी हाइड्रोजन हटा के अगर OH लगा दिया तो ये भी उसका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बन गया, तो इसे बोलते हैं फिनॉल। अब H कहाँ से आया? अब ये तो बहुत सिली सा क्वेश्चन है। बेंजीन में हर कॉर्नर पे बेटा क्या होता है? CH होता है। तो ऑल दीज आर CH, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के हम उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे, तो ये फिनॉल बन गया। अब आई थर्ड की बारी। थर्ड क्या है हमारा? ईथर्स। ईथर्स को बोलते हैं, ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव नहीं है बच्चे, ये एल्कोक्सी डेरिवेटिव है। जिनको एल्कोक्सी वर्ड पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैंने उनके साथ उनके पास लिख दिया है ये OR। ठीक है, O और R जहां लगा होता है तो वो एल्कोक्सी है। दीज आर द एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। ये एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स हैं एल्केन के। जैसे एल्केन हो गया तुम्हारा, फिर से R और H, दिस इज एल्केन, और इसमें से हम क्या हटा देंगे? इसमें से हम हाइड्रोजन हटा देंगे,
और ओ और आर इसमें ज्वाइन कर देंगे तो बन गया आर ओ, इसको आर डैश लिख लो, आर डैश। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, इथर्स। ठीक है, तो इज दैट क्लियर, समझ में आया कैसे लेते हैं हम एल्केन, ये तुम्हारा। ओके बेटा, तो ये तो हो गया तुम्हारा कि किसकी इंट्रोडक्शन क्या है, ये होते क्या है। उसके बाद चलेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओएच ग्रुप्स अटैच्ड, कितने ओएच ग्रुप अटैच्ड होते हैं उसके बेस पे हम एल्कोहल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो नंबर ऑफ ओएच ग्रुप्स अटैच के बेस पे एक तो होता है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या डाईहाइड्रोक्सी मोनोहाइड्रोक्सी ट्राईहाइड्रोक्सी, मतलब जिसमें एक ओ एच ग्रुप है, जैसे CH3OH मोनोहाइड्रोक्सी है। नाम क्या होगा वैसे, थोड़ा बहुत लिखना आता भी होगा इसका। मैम फिनोल वाला रिपीट कर दो। ओके, फिनोल वाला ऐसे था बेटे कि बेंजीन होता है ना C6H6, तो हर एक कोने पे कॉर्नर पे CH 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 होता है। तो जैसे एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया, वैसे ही बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा के उसमें एक OH जोड़ देंगे। ठीक है, OH जब जोड़ देते हैं बेंजीन के साथ तो वो बन जाता है फिनोल, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बेंजीन के। ठीक है जी, यस मैम। ओके जी। अब उसके बाद ये CH3OH है, नाम आपको लिखना आता होगा, इसका नाम है मीथेनॉल। दिस इज कॉल्ड एज द मीथेनॉल। हाँ, मीथेनॉल है इसका IUPAC नेम। नाम कैसे लिखते हैं, तुम्हें लास्ट क्लास में भी सिखाया था, मिथ का मतलब एक यस कार्बन मैम। एटम, का मतलब सिंगल बॉन्ड, और ओल का मतलब आपके पास एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम मीथेनॉल है। ठीक है जी, और इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है इसका मिथाइल एल्कोहल। हाँ यस, कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अ मिथाइल एल्कोहल। उसके बाद आ गया तुम्हारा CH2OH, CH2OH। ठीक है, अब CH2OH, CH2OH, ये हो गया तुम्हारा डाईहाइड्रोक्सी। अब इसका IUPAC नेम देखा जाए तो क्या है, इसका IUPAC नेम है इथेन। ठीक है, डायोल। ठीक है, या इसको इथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है। उसके बाद आता है तुम्हारा ट्राईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जिसके पास तीन OH ग्रुप लगे हो, जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें 1 2 3, तो अगर आप इसका सिंपल में नेम लिखोगे तो दिस इज प्रोपेन, 1 2 3 कोमा 2 3 कोमा ट्राई डायो। ट्राईओल हो जाएगा ना, और ट्राईओल के बीच में कोई हाइफन नहीं आएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। बाकी इसका अगर आप कॉमन नेम लेना चाहते हो तो इसका कॉमन नेम है ग्लिसरोल। द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अ ग्लिसरोल। जैसे हम हेलो एल्केन में करते थे ना कि एक कार्बन के साथ भी लगा सकते हैं, एक से ज्यादा सीएल, यहाँ पे नहीं हो सकता। मैं क्या कह रही हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, यहाँ से देखो, मतलब ये इसमें पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2H ग्रुप लग दी। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये नॉट पॉसिबल क्यों है?
नॉट स्टेबल नॉट पॉसिबल, जबकि हैलोजन में तो हम ऐसे करते थे ना, एक सी एल यहाँ लगाते थे, एक सी एल यहाँ लगाते थे, एच एच यहाँ लगाते थे, हैलोजन में दैट वॉज पॉसिबल, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है. कौन बताएगा क्यों बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली बात नहीं है. आप देखो ना, छोटा सा ऑक्सीजन है, उसके ऊपर कितने सारे लोन पेयर हैं, दो या एक, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, ये तो एक दूसरे को रिपेयर करेंगे. इसलिए जब एक कार्बन पे दो ओएच लगे हो ना, तो जिंदगी में याद रखना, हमेशा तुम लॉस ऑफ वाटर कर दोगे यहाँ पे. ठीक है, तो जब लॉस ऑफ वाटर करोगे ना, तो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा. ये वाला नहीं शिफ्ट होता, वैसे होता है एच प्लस वाला, ये वाला बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा बन जाता है कंपाउंड, एच सी एच डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि इस वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चले जाते हैं. तो मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि एक कार्बन पे दो ओ एच वाटर लॉस कर देते हैं. तो जब वाटर लॉस होता है तो एच को एच प्लस जाता है, तो अपने सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, यहाँ पे ये बन जाता है. तो इसलिए कभी भी डाई की ये एग्जाम्पल नहीं लिखना, ट्राई की भी ये कभी नहीं लिखना. अगर तुमने मान लो पेपर में ये लिख दिया, तो ये भी गलत है, ये भी नॉट स्टेबल है, क्योंकि जब एक कार्बन है उस पे दो ओ एच लगे होंगे, तो ओ एच यहाँ से और ये यहाँ से, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो एच सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच ये बन जाएगा. तो ये क्या होता है, एच सी ओ ओ एच, क्या नाम है इसका? फॉर्मिक एसिड. नहीं समझ में आता, वो इसे क्या बोलेगा? मिथेनोइक एसिड. दिस इज कॉल्ड एज अ मिथेनोइक एसिड. तो कभी भी किसी बच्चे ने अनलाइक मिथेनोइक एसिड, अनलाइक हेलो एल्केन, ऐसा काम नहीं करना है एल्कोहल से. और इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज अ एसिटाल्डिहाइड. और द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथेनल. हाँ, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि हमने डाई ट्राई डेरिवेटिव और मोनो डेरिवेटिव कैसे बनाने हैं. सिंपल में तो बन जाएंगे, पर एक कार्बन पे ना तो तुम ये बनाओगे ना तो तुम ये बनाओगे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट ये बन देते हैं, और सीधी सी बात है कि दीज आर नॉट एल्कोहल्स, तो इसलिए ये कैटेगरी पेपर में लिखनी ही नहीं है. तो दिस इज अ वन टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन. समझ में आया बच्चों? यस मैम. सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम कैरिंग ओएच ग्रुप. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम कैरिंग ओएच ग्रुप, जिस कार्बन एटम पे ओएच ग्रुप लगा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम कैसे दे सकते हैं. तो सबसे पहला इसका टाइप आएगा sp3 hybridized कार्बन दैट इज कंटेनिंग द ओएच ग्रुप. ठीक है, अगर जिस कार्बन पे तुम्हारा हैलोजन ओएच ग्रुप लगा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन इफ इट इज sp3 तो हाउ यू विल प्रूव. ठीक है, तो sp3 कार्बन एटम विच इज कैरिंग द ओएच ग्रुप, इसके बेस पे देखो जरा, this is a carbon atom which is attached to all the hydrogen atoms and one is OH group attached to it. तो देखो बेटा, इस कार्बन एटम को जहाँ जिसको हमने OH से अटैच किया, this is our hero carbon atom, this is our main carbon atom and no carbon is attached to it further. So this is called as a zero degree alcohol. इसको या तो zero degree alcohol लिख बोल दो, zero degree alcohol बहुत सारी किताबें नहीं लिखते हैं, तो आप इसको बोल सकते हो methyl alcohol, that's it, simply. Methyl alcohol. This way of writing is correct. Okay. And the second type is, not second type. Type to ye B hi hai. Next is, you people can do the CH3 attached to this and then is a OH. CH3 attached and this is a OH attached to this. Matlab, जिस कार्बन पे ओ एच है उस पे एक सी एच थ्री है, बाकी दो हैं इस पे एच एच अटैच. तो दिस इज अ 2 डिग्री एल्कोहल.
सॉरी सॉरी दिस इज अ वन डिग्री अल्कोहल, उसको जीरो डिग्री बोला है ना, तो दिस इज अ वन डिग्री अल्कोहल. वन डिग्री हाँ, जिस कार्बन पे एक कार्बन अटैच है ना, फिर दिस इज अ वन डिग्री अल्कोहल. अब आ जाओ आगे, जिस कार्बन एटम पे ओएच अटैच है, इफ वी आर फर्दर कनेक्टिंग इट टू द टू कार्बन एटम्स मोर, तो दिस इज कॉल्ड एज अ टू डिग्री सेकेंड. यस, अगर जिस कार्बन पे ओएच है इट इज फर्दर कनेक्टेड टू थ्री मिथाइल ग्रुप. यस, थ्री मिथाइल ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड एज अ थ्री डिग्री अल्कोहल. ठीक है, अब थ्री डिग्री अल्कोहल बन गया ये. तो इस तरह से अल्कोहल जो है वो जीरो डिग्री, वन डिग्री, टू डिग्री एंड थ्री डिग्री, यू पीपल कैन से, बट दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम विच इज कैरिंग द OH group. So this is sp3. Let's go to the next one. The second one is sp2 carbon, which is containing the OH group. Now sp2 carbon, which is containing the OH group, is first example is very simple. Benzene के साथ OH लगा दो. So this carbon atom, which is carrying the OH group, this is sp2 hybridized carbon atom, है ना? Is sp2 carbon containing the OH group. तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ फिनॉल, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था. सेकेंड इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एंड ओ एच, यू पीपल कैन डू लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड एज एस पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन विच इज कंटेनिंग द ओ एच ग्रुप बट नॉट द एरोमेटिक. दिस इज कॉल्ड एज अ विनाइल एल्कोहल. नाउ विनाइल एल्कोहल, बट दिस कार्बन एटम इज, ये हीरो जो कार्बन है दैट इज अटैच विद अ वन एच, बाकी तो एक साइड तो डबल बॉन्ड है. ठीक है, तो आप इसके एक टाइप ये भी ले सकते हो, सी एच टू डबल बॉन्ड सी सी के साथ सी एच थ्री लगा दो ओ एच, तब भी ये आपका क्या रहेगा, विनाइल अल्कोहल रहेगा. ठीक है, बट अब इसकी डिग्री वन डिग्री नहीं है, अब ये इधर तो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड में एक के साथ कनेक्टेड है, पहले ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड. तो दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू चेक इट आउट. इज दैट क्लियर? यस मैम. sp hybridized carbon containing OH हो सकता है, is that possible or not? If that is sp hybridized carbon containing OH, अरे sp वाला होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन मैंने हेलो एल्केन में भी कराया था. इज इट पॉसिबल? चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ, तुम यस नो बोलना कि है या नहीं. sp कार्बन कंटेनिंग हेलोजन, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन कर दो, हेलोजन नहीं OH, अब इस पे ऐसे लगा दो. इज इट पॉसिबल? हाँ ना तो बोलो, तभी मुझे पता लगेगा. नो मैम. इतना तो नो मैम. नो मैम, नॉट पॉसिबल. कारण क्या है? नेगेटिव के साथ कभी भी पॉजिटिव अटैच नहीं होता बेटा. ये कार्बन जो है ना sp हाइब्रिडाइज, इसमें होता है 50% s करैक्टर. 50% s करेक्टर होने की वजह से ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो अगर आपका कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव दो सर्वाइव कर सकते हैं? नो मैम, पॉसिबल, मैंने पहले ही लिख दिया. तो इसलिए कभी भी पेपर में ये वाली कैटेगरी नहीं बना के आना. आपके कॉपी पे लिखने से कुछ भी नहीं होता. अगर आप सोचो कि हम कॉपी पे जो बना देंगे वो रिएक्शन हो जाएगा, स्पेशली ऑर्गेनिक में, ये कभी भी नहीं होता. तो ये बनाना ही नहीं है. sp3 और sp2 ही होते हैं, और इवन हेलो एल्केन के केस में यही वाला केस होता है. इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम. चलो, उसके बाद आ गया बच्चा तुम्हारा IUPAC नेमिंग. रिगार्डिंग IUPAC नेमिंग, ये मैं बार बार बच्चों को कराती हूँ और बार बार बच्चे भूलते भी. अब दिक्कत ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना कई चीजें आपके पास, जैसे टर्शरी वगैरह वर्ड यूज होते हैं व्हेन यू पीपल वर डूइंग योर IUPAC नेमिंग ना, कई कई बार ऐसे वर्ड यूज हो जाते हैं, जैसे IUPAC नेमिंग में भी उसने बोल दिया कहीं पे टर्शरी, सेकेंडरी, आईसो. ठीक है, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जिन बच्चों को लास्ट चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले में कवर अप नहीं हुआ था, समझ नहीं आया था, दे कैन रिवाइज इट. इफ यू आर हैविंग सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, ये ऐसे लगा हुआ है. अब ये वन डिग्री कार्बन एटम है, ये वाला सारा केस प्रोपेन से ही स्टार्ट होता है. ऐसे लगा हुआ है मतलब इसको आगे तुमने ओ एच के साथ लगा दिया, जोड़ दिया यहाँ से.
वन डिग्री के साथ कनेक्टेड है, तो इसको एन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एन प्रोपाइल एल्कोहल. एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है. ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, सी एच थ्री सी एच ओ एच एन सी एच थ्री. अगर ऐसा हो, ये स्टार कार्बन एटम है जहां पे ओ एच लगा हुआ है, ये फर्दर दो कार्बन एटम से अटैच है ना, सेकेंडरी वाला है, तो है तो नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब सेम है, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल टू ओ एल्कोहल. ठीक है, बाकी तो आयोपैक तो इसका लिखना आता ही है, आयोपैक में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए. इसका आयोपैक नाम क्या है, प्रोप एन. ई मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे आगे नेम कंटिन्यू करना है, उसमें वोवल आता है तो ओ वोवल है तो ई नहीं लिखते हैं. तो प्रोपेन वन ओल हो गया, प्रोपेन टू ओल. दिस इज द प्रोपेन टू ओल. इज दैट क्लियर? यस मैम. चलिए, प्रोपेन वन ओल एंड प्रोपेन टू ओल. अब आ जाओ उसके सेकंड वाले कंपाउंड पे, यानी कि अगर आपको ब्यूटेन का केस पेपर में आता है तो पहला तो सिंपल ही है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू एंड ओ एच, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा एन ब्यूटाइल एल्कोहल. ये तो होगा कॉमन नेम. आयुपैक में हो जाएगा ब्यूट एन वन ओल. ठीक है, ये तुमने प्राइमरी वाला लिखा. अगर तुम इसका सेकेंडरी बना लो, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे ओ एच लिख लिया, तो जैसे सी एच टू एंड सी एच थ्री ये लिख लिया, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल. मैंने बहुत सारे बच्चों को ये गलती करते देखा है कि वो इसको आइसो बोल देते हैं, ये आइसो नहीं है. आइसो बनाने के लिए आइसो से स्टार्ट करना पड़ता है. तुमने जो स्टार्ट किया है वो प्रोपेन था, सॉरी ब्यूटेन था. सीधी चेन यहाँ पे है, सीधी चेन यहाँ पे है, तो जब तक ये चेन आइसो नहीं बनती तब तक आपका कंपाउंड आइसो नहीं बनता. बाकी इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूटेन टू ओल. ठीक है, अब आ जाओ आगे. अगर तुमने कंपाउंड ऐसा बना लिया तो ये है आइसोब्यूटेन, इसका नाम है आइसोब्यूटेन. तो जब आप क्वेश्चन आइसोब्यूटेन से स्टार्ट करते हो तो अब आपके पास आगे जाके प्रोडक्ट आइसोब्यूटेन आएंगे. अब ये वाला जो कार्बन आइटम है प्राइमरी, अगर मैं इसको हटा दूं, जैसे सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, तो ये वन डिग्री वाले को रिप्लेस किया ना तुमने ओ एच से हाइड्रोजन को, तो दिस इज कॉल्ड एज अ आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल. ठीक है, उसके बाद क्या आ गया इसका, और कितने टाइप के हाइड्रोजन है इसमें? सेकेंडरी भी और टर्शरी भी है. हाँ, सेकेंडरी भी है टर्शरी भी है. सेकेंडरी किसको, किस बच्चे को नजर आ रहा है? इस वाले में तो नहीं है ना सेकेंडरी बेटे, यही है अब आपके पास. यस मैम, टर्शरी है. टर्शरी है ना, ये देखो अगर यहाँ से लगाओगे ना इसको, तो ये बन जाएगा एक दो तीन चार. ठीक है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन पूरे हैं. This is tertiary butyl alcohol. Is that clear? Yes, ma'am. अब ब्यूटेन के बस इतने ही आइसोमर बनते हैं. ब्यूटेन में भी समझ में आ गया, और ब्यूटेन में तीन बने, उसमें बने दो. अब नेक्स्ट स्लाइड में पेंटेन में भी देख लो. तो सबसे पहले तो पेरेंट को देखा करो. ये है एन पेंटेन, ये पेरेंट है. अब अगर एन पेंटेन से क्वेश्चन शुरू कर रहे हो तो आइसोपेंटेन कैसे बन सकता है? तो पहले तो आपका बनेगा ना एन पेंटाइल बनेगा यहाँ पे. इज दैट क्लियर और नॉट? यस मैम. क्या बात कह रही हूँ, तो आप एन पेंटेन लिया है तो सबसे पहले वन डिग्री का हाइड्रोजन हटाओ यहाँ से. वन डिग्री का हाइड्रोजन हटाओगे तो कॉर्नर वाले ही हटाओगे ना, बाकी तो सारे टू डिग्री है. ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे. दिस इज अ सी एच थ्री, this is a CH2, this is a CH2, this is a CH2, this is a CH2, ऐसे. और यहाँ पे क्या प्लस करेंगे? OH. हो गया N pentyl alcohol. गलत लिखो गए इस पहले.
एन पेंटाइल एल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला आइसोमर। अब इसमें 1 डिग्री हटाया, तुम 2 डिग्री भी देख लो, 2 डिग्री भी है तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हो। इस पे OH लगा लो, दिस इज CH2 CH2 CH3। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया, ये वाला कार्बन कौन सा था, 2 डिग्री सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल, ये सेकेंडरी है। ये तो दो तो इससे बन गए, पर अगर आप इसका पेरेंट ही ले लो आइसो CH3 CH3 HCH2 CH3 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर इसमें से तुम हाइड्रोजन हटा के OH लगा दोगे और प्राइमरी प्राइमरी होता है आइसो हमेशा CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, ऐसा कंपाउंड तुम बना दोगे तो ये तुम्हारा बनेगा आइसो पेंटाइल एल्कोहल। और बहुत ज्यादा यूज होता है ये चीजें कन्वर्जन में, दिस इज कॉल्ड एज अ 1 2 3 4 5 ही है ना अभी भी आइसो पेंटाइल एल्कोहल। अब इसमें देख लो कितने तरह के हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, 1 डिग्री था, ये है 2 डिग्री, तो एक 2 डिग्री से भी बना दो CH3 CCH3 1 OH फिर CH2 एंड CH3। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से चेक करो, ये वाला जो आपका आंसर है ना, इसमें भी आपका आंसर क्या आ रहा है, क्या लिखोगे इसका नाम अगर आपने सेकेंडरी वाले हाइड्रोजन से किया है। अच्छा ये तो मैंने टर्शरी किया, चलो कोई नहीं टर्शरी सही, तो इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल पेंटाइल एल्कोहल। टर्शरी पेंटाइल एल्कोहल, और ये वाला जो कार्बन है भी 2 डिग्री नहीं है, 3 डिग्री है, 3 के साथ कनेक्टेड है ना, 1 2 3, ये है 2 डिग्री। तो 2 डिग्री को हटाएंगे तो कैसे बनेगा, CH3 CH CH3 CH OH एंड CH3। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाला कार्बन आगे 2 से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी होगा, पर आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी सेकेंडरी आ गया तो यहाँ पे भी सेकेंडरी आएगा। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे सेकेंडरी के साथ हम आइसो लगाएंगे ना, क्योंकि ये पेरेंट कंपाउंड क्या है, पेरेंट कंपाउंड तुम्हारा आइसो पेंटेन, वहां पे पेरेंट नॉर्मल था, तो इट इज बेटर टू राइट इट एज सेकेंडरी आइसो पेंटेन। तो ये इसके केस में कितने आइसोमर आ गए, 1 2 2 यहाँ पे, 3 और 4 4 हो गए। अब इसमें एक और तरह की एल्केन है, मैं इसको स्लाइड वापस से कर दूंगी, एक बार मुझे बना लेने दो। एक बार आपने पेरेंट ले लिया नियो पेंटेन, ब्यूटेन में नहीं बनता, ये पेरेंट क्या आ गया, नियो पेंटेन। इसमें जितना भी आप प्रोडक्ट बनाओगे ना, हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि 12 के 12 हाइड्रोजन एक जैसे है, किसी को भी हटाओ उसकी जगह पे OH लगाओ CH3 CH3 CH2 OH। तो ये आपका बन गया नियो पेंटाइल एल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एज अ नियो पेंटाइल एल्कोहल। ठीक है, बात समझ में आई, नियो पेंटाइल एल्कोहल में ये ग्रुप नियो होता है, तो ये एक आइसोमर हो गया। आप देखो कितने टोटल आइसोमर्स हो गए, नंबर 1 एन पेंटाइल, नंबर 2 सेकेंडरी पेंटाइल, नंबर 3 आइसो पेंटाइल, नंबर 4 सेकेंडरी आइसो पेंटाइल, नंबर 5 टर्शरी पेंटाइल और नंबर 6 नियो पेंटाइल। तो ये आइसोमर्स हैं, जस्ट नोट देम डाउन। इसके बाद चाहे हेक्सेन आए, चाहे हेप्टेन आए, कोई भी आए, पर आपका नाम कोई नया नहीं आएगा, मतलब जैसे नियो सेकेंडरी आइसो जो पहले चल रहे हैं वही होंगे, मतलब और कोई नया नहीं पूछा जाएगा इसमें से। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो ठीक है मैम, डन। स्लाइड कर लेते हैं, शिफ्ट डन बेटा। यस मैम। यस मैम। चलो इसके साथ तो मैं एटलीस्ट ये तो आ गया, बाकी आईयू पैक नेम तो लिखना सबको आता है मेरे ख्याल से। यस मैम। है ना,
तो IUPAC नेम तुम्हें अगर आता है तो हम इसकी स्ट्रक्चर देते हैं और फटाफट से इसका प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की स्ट्रक्चर कैसी होती हैं, क्या करते हैं हम एल्कोहल में। देखो वाटर की स्ट्रक्चर सबको आती है, यस मैम, यस मैम। कैसी होती है बच्चा, क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो सही, एंड में बेल शेप और एंगुलर। हाँ ये देखो ये वाटर है, दो है इसमें लॉन पेयर, दो है इसमें बॉन्ड पेयर। तो जब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर जो भी है ये बराबर हो जाते हैं 4, तो 4 इसका है SN। SN का मतलब होता है स्टेरिक नंबर। जब तक इसका स्टेरिक नंबर 4 है तब तक ये आपका जो कंपाउंड है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। sp3 इज अ हाइब्रिडाइजेशन टू दिस कंपाउंड। ज्योमेट्री बोलते हैं इसके डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल का मतलब है कि टेट्राहेड्रल पूरा नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बहुत भयंकर वाली रिपल्शंस हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर बिल्कुल सही, लोन पेयर रिपल्शंस। तो ये जो लोन पेयर रिपल्शंस है ना, ये क्या करती है, ये बॉन्ड एंगल को तो बढ़ा देती है। और लोन पेयर में एंगल कौन देखना चाहता है, हमें तो इस वाले एंगल की प्रॉब्लम है, ये वाला एंगल हमेशा देखना है एटम्स के बीच में। तो ये इसको पुश करता है, ये इसको पुश करता है, इसलिए जो इसका बॉन्ड एंगल है ना वो लेस देन 109.9 होता है। इसका एक्चुअली में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, ठीक है। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, और जो इसकी शेप है वो बेंट हो जाती है, या इसको हम एंगुलर बोल देते हैं, वी शेप भी बोल देते हैं। आप इसको उल्टा करके देखो ये वी की तरह लगता है, ठीक है, दिस इज वी शेप। तो ये वाटर की स्ट्रक्चर है। अब सेम स्ट्रक्चर देखो एल्कोहल की है, दिस इज ओ, दिस इज एच, बाकी क्या इसमें एक आर है, बाकी इसमें दो क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसमें तो पहले ही प्रॉब्लम हो रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, पहले ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट कर रहे थे। अब इसमें एक नया आ गया, आर आ गया। आर कैसा ग्रुप है इसमें, बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप से क्या होगा भाई, बल्की ग्रुप से जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा, और रिपल्शन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा तो इसमें और क्या हो जाएगी, और डिस्टॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, मोर डिस्टॉर्शन। बाकी अभी भी ये sp3 हाइब्रिडाइज ही है, अभी भी ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ही है। वी शेप ही है, अभी भी बेंट ही है ये एंगुलर, ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये तो थी इसकी ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर, उसके बाद है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैम एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड करना। डन मैम। ओके जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हु कैन से कि कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको, जरा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर के बारे में सोचो एंड लेट मी नो कि कैसे इनका रिएक्शन होगा। हाउ बाय हैलोजिनेशन। हाँ जी बोलो। बाय सल्फोनेशन हैलोजिनेशन। कहाँ पहुँचे? बाय नाइट्रेशन। बाय नाइट्रेशन। तुम तो एरोमेटिक की बात पे आ गए, मैं तो सिंपल एल्कोहल्स की बात कर रही हूँ। हेलो एल्केन से बनाएंगे कैटालिटिक हाइड्रेशन, देखते हैं अभी।
अच्छा इसमें बॉन्ड एंगल की भी बात कर लेते हैं, देखते हैं बेटे अभी बताती हूँ। बल्कि ग्रुप क्या क्या है? अच्छा, बल्कि ग्रुप का मतलब होता है ना, देखो यहाँ पे जैसे मिथाइल होगा, तो मिथाइल तो ऐसे CH3 होता है, हाइड्रोजन तो कम स्पेस लेता है। बल्कि ग्रुप का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है जो मोर स्पेस ले, जो मोर स्पेस लेता है उसमें फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस होती है। ठीक है, इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शंस होती है। अब समझ में आया बेटे? जिस रिपल्शंस के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है ना वो चेंज हो जाते हैं। अब इसका भी बॉन्ड एंगल रिपल्शन के कारण, वाटर का तो बहुत कम आता है, ठीक है, इसमें ज्यादा रिपल्शन है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, तो इसका एंगल आता है 108.9 डिग्री। ठीक है, अब ये बॉन्ड एंगल ऐसा क्यों आता है? बिकॉज रिपल्शन होंगी, तो रिपल्शन के कारण आपका वाटर में तो कम रिपल्शन है, तो इसका बॉन्ड एंगल कम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो द बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन वाटर ड्यू टू द रिपल्शंस बिटवीन बल्की ग्रुप आर एंड लोन पेयर। ठीक है, इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा होगी जिसके कारण ये वाला दूर चला जाएगा इससे। ठीक है जी, उसके बाद यही काम ना आप उसमें भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये काम आप उसमें भी चेक कर सकते हो, फिनॉल में भी। फिनॉल में क्या होता है? यहाँ पे ओ और एच बना होता है तुम्हारा फिनॉल। फिनॉल के केस में क्या होगा बेटे? फिनॉल के केस में ये वाला जो एंगल होता है ये एक्चुअली में 109 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कम फेस करना करता है, क्योंकि ज्यादा फेस करना पड़ता है तो और बढ़ जाता है। क्यों रिपल्शन ज्यादा है? कि ये और ज्यादा बल्की है ना, बड़ा है ना बेंजीन। यस मैम, अगर आप चेक कर लो ईथर्स, तो ईथर्स की कहानी बिल्कुल ही अलग है। ईथर्स के केस में क्या होता है बेटा? ईथर्स के केस में ये आपके पास आर, एक आर ग्रुप, फिर ओ, फिर मैं इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर बना देती हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर बेंट है तो आप पेपर में लीनियर से कंफ्यूज मत हो जाना, लीनियर ही मत बनाया है। CO, ये ईथर्स है आर ओ आर। अब इसमें तो बहुत ही बड़े ग्रुप हैं भाई, बहुत ही बल्की ग्रुप्स हैं ये दोनों, इसलिए इसका एंगल तो इतना बढ़ जाता है कि टेट्राहेड्रल को भी क्रॉस कर जाता है। इसका एंगल आ जाता है 107 डिग्री। तो अगर आपके पास COH बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में होता है? ईथर्स में। ईथर्स के बाद किस में होता है? एल्कोहल्स में। उसके बाद किस में होता है? वाटर। ठीक है, और इसका मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पे रिपल्शंस हाई होती है, जहां पे रिपल्शंस हाई है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलो अब आ जाते हैं इसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन पे। तो रिगार्डिंग द मेथड ऑफ प्रेपरेशन, ये ना वैसे पिछले चैप्टर के क्वेश्चन है, तो एक बार मैं तुम्हें ट्रायल देती हूँ कि किस बच्चे को कितना मार्कोनिकोफ रूल लाना है, जो हमने पिछले क्लास में yes, तो मैं अभी आपसे चेक करवा लेते हैं, मैंने वहां पे भी बहुत प्रैक्टिस कराया था। तो पहला क्वेश्चन है एडिशन ऑफ वाटर, और एडिशन ऑफ वाटर आजकल कोई भी नहीं लिखता, एडिशन ऑफ वाटर को लिख देते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, या हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रेशन है, एसिडिक हाइड्रेशन का मतलब है कि बीच में एसिड यूज होता है तभी पानी टूटता है, एसिडिक हाइड्रेशन। ठीक है, ऑफ द एल्कीन्स। तो अगर मैं नंबर एक रिएक्शन में सिंपल ले लूं एल्कीन यानी कि इथीन ले लूं और इसमें वाटर ऐड कर दूं, ठीक है, वाटर ऐड कर दूं किसी वीक एसिड की प्रेजेंस में, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगर मैं इसमें ले लूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
और वाटर ऐड कर दूं तब क्या प्रोडक्ट बनेगा एसिडिक मीडियम में? और सी में है CH3 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर ले लूं तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? और डी वाला केस है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलो ये चारों प्रोडक्ट बना के दिखाओ जल्दी, क्विकली फॉर्म द प्रोडक्ट्स, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, क्विकली जल्दी से बनाओ। मैम डन, यस, हु विल टेल द फर्स्ट प्रोडक्ट? यस मैम, CH2OH। दोबारा से बोलो बेटे, CH3CH2OH। बिल्कुल सही, CH3CH2OH। कैसे किया आप लोगों ने? वन इज एच प्लस, अदर इज OH नेगेटिव, इस तरह से शिफ्ट किया, कोई भी नेगेटिव कोई भी प्लस, ठीक है, इसमें तो दोनों साइड बराबर ही है, तो देयर इज नो नीड ऑफ थिंकिंग। तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो एक आपका बन जाएगा CH3, दोनों में से एक CH2OH, और इसका नाम क्या बन जाएगा? इथेनॉल। अच्छा, सेकंड वाले का प्रोडक्ट बताओ, CH3CHOH CH3। अब ये क्या है बेटे? ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है ये? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो क्या होता है? तो इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो MR से होता है। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन एटम है, तो कम हाइड्रोजन यहाँ पे थे तो इसलिए यहाँ चला गया। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल, है ना? प्रोपेनॉल लिखेंगे तो फिर पता नहीं ना लगेगा कि कौन से का। यस मैम। सी वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे तो एक हाथ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कम वाले yes, पे जाना ना आपको, तो OH लगेगा। CH3 यहाँ पे OH लगा, OH CH3, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? 1, 2, 3, 2-methylpropane-2-ol, 2-methylpropane-2-ol, 2-ol। चलो इसका प्रोडक्ट बताओ, इसमें भी यहाँ पे कम है तो प्रोडक्ट कल आगे लिख देते हैं। ये था ना? हाँ, इस पे तो कम हाइड्रोजन मतलब है ही नहीं है। CH3 CH3 H जाएगा यहाँ, H जाएगा यहाँ, तो क्या नाम बना इसका? 2-methyl, 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 नहीं कर देना, वो ऊपर को चला जाएगा, वो चेन का पार्ट बन जाएगा, डाइमिथाइल नहीं है वो, बस 2-methyl है, बाकी 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 2-ol, तो 2-methyl ब्यूटेन 2-ol, उसे डाइयो पैक में। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो गुड पॉइंट। चलो लेट्स चेक आउट, थोड़ा सा आपसे पूछ के देखते हैं इसमें से।
गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. चलो बेटा इसका बताओ नेम. ठीक है तो ये आपके पास चार कंपाउंड है. स्टार्ट गिविंग देयर IUPAC नेम क्विकली. चलो स्टार्ट करूं बताऊं. Anji, anybody has done? चलिए ले लीजिए 2 मिनट और. चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड. 4-chloro-2,3-dimethylpentane. इसमें ना मैटर ऑफ प्रायोरिटी चेक करना पड़ेगा कि किसको प्रायोरिटी देनी. जैसे कि आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो कि OH की प्रायोरिटी Cl से ज्यादा होती है. या आप ऐसा बोल लो कि OH प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, Cl और मिथाइल इस केस में प्रीफिक्सेस हैं. तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा.
लास्ट चैप्टर की तरह क्लोरीन को कम नंबर देने के पीछे मत लग जाना। तो टू और थ्री पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए, नीचे ऊपर जा नहीं सकते, तो टू थ्री डाई मिथाइल, पर अल्फाबेटिकली चलना तो क्लोरो सी पहले आएगा, तो फोर क्लोरो टू कोमा थ्री ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड आ जाएगा। सेकेंड थिंग CH3 CH2 CH3, इसका नाम किसने लिखा है? इथोक्सीप्रोपेन। कैसे तुमने कैसे देखो, जब भी आप उसका नाम लिखते हो ना ईथर का, तो ऑक्सी लेना होता है, ऑक्सी लेना होता है, दोनों साइड आर होते हैं, यहाँ पे भी आर है यहाँ पे भी आर है, तो इथॉक्सी लेना होता है स्मॉल ग्रुप के साथ, स्मॉल आर के साथ। तीन कार्बन वाला है यहाँ पे, दो कार्बन वाला है, तो यहाँ से इसको इसके साथ लेंगे, बाकी दो कार्बन है और इथॉक्सी, तो बाकी जो आपका कंपाउंड बना उसमें भी प्रॉब्लम है। अगर मैं उसको प्रोपेन लिख दूंगी तो उसका मतलब ये हो जाएगा, उसका मतलब ये हो गया अगर मैंने प्रोपेन लिख दिया, ठीक है, पर ये तो ये नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जिस कार्बन पे तुम्हारा, जिस ऑक्सीजन पे तुम्हारा वो लगा है दूसरा एल्काइल ग्रुप, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको नंबरिंग चेक करनी पड़ेगी कि ये कैसा कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, तो इसको वन देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे देती हूँ जैसे वन टू थ्री, तो द बेटर वे ऑफ राइटिंग इज इथॉक्सी टू प्रोपेन। ये मैंने टू क्यों लिखा, यानी कि उनको पता लग जाए कि ये सिंपल प्रोपेन नहीं है, ये तो दो नंबर से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इट्स करेक्ट नेम इज इथॉक्सी टू प्रोपेन, इथॉक्सी प्रीफिक्स है तो ये दो नंबर पे लगी हुई है प्रोपेन, ठीक है। या अदर वे ऑफ राइटिंग इट कैसे हो सकता है, दो नंबर पे इथॉक्सी भी कह सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, टू इथॉक्सी प्रोपेन, ये भी ठीक है, ये और ज्यादा ठीक है कि दो नंबर पे इथॉक्सी लगा हुआ था बाकी प्रोपेन, ये वाला कर लो, ऊपर वाले में फिर भी करेक्ट और नॉट। चलिए लेट्स गो फॉर द अनदर नेम, नेक्स्ट वाला कौन सा था, वही बेंजीन वाला। यस मैम। हाँ जी, इसका क्या आएगा बेटे? 2.6 डाइमिथाइल फिनोल। ये वन होगा, ये टू थ्री फोर, ऐसे नहीं चले जाना, वो क्या आना पड़ेगा, तो 2.6 डाइमिथाइल फिनोल। पेरेंट कंपाउंड क्या है? पेरेंट कंपाउंड है फिनोल, बताया तो था स्टार्टिंग में, मिथाइल फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH फिनोल होता है ना, अगर बिना अंदर सर्कल के ऐसा दिया हुआ है तो पहली बात तो इसको ये मत मानो कि ये तुम्हारा बेंजीन है, ये बेंजीन नहीं है। इसका नेम कैसे दोगे, अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक नाइट्रो और एक ये, इसको प्रायोरिटी देनी है तो आप चेक करोगे लिस्ट, तो इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा होती है, और ये भी ई पहले आता है इथॉक्सी का, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, वन नंबर पे क्या प्रेजेंट है, इथॉक्सी, इथॉक्सी, टू नाइट्रो, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन नहीं है, गलती नहीं करनी ना, बाकी क्या है इसमें, साइक्लो हेक्सेन, इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो एक लास्ट और करते हैं, दो बस, एक इसका नेम बताऊं, एक इसका नेम बताऊं,
मैम 3-bromophenol. क्या होगा फर्स्ट वाले का? फिनॉल नहीं है, फिर से तुम वही गलती कर रहे हो. इसे दिया है साइक्लो. और इस वाले को क्या देंगे? दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओ हेक्स हेक्स 1-3-ol. ऐसा मत इसको हाइड्रोक्सी बोल देना क्योंकि ये तो सेकंड सफिक्स है, ये तो एंड में ही आएगा. बाकी 1 और 2 के बीच में है डबल. इज दैट क्लियर? यस मैम. तो आज इसको इतना ही छोड़ते हैं IUPAC नेम तक की, बिकॉज इसकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ प्रेपरेशन जोश से स्टार्ट हो जाएंगे. मैंने फर्स्ट डे थोड़ा सा धीरे भी कराया कि आपको थोड़ा सा बेस बन जाए. अब जब आप नेक्स्ट इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ोगे ना, तो ब्यूटीफुल थिंग इज की तो आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन भी थोड़ा थोड़ा दोबारा रिवाइज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज पैटर्न ऑफ ईच ऑर्गेनिक चैप्टर इज सेम. इज दैट क्लियर? यस यस मैम. नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसी को एक बार रिवाइज करना है, एंड वी विल बी डूइंग दैट चैप्टर योर मेथड ऑफ प्रेपरेशन. Thank you, beta. Thank you so much. Bye-bye. Okay, ji. Thanks to all.